आज हम बात करेंगे कैसे आप फेसबुक मैसेंजर में एंड टू एंड इंक्रिप्शन करके कैसे प्राइवेट चैट कर सकते हैं। पहले ओपन करेंगे हम फेसबुक मैसेंजर अपना। अब मैं किसी को मैसेज करना चाहता हूँ तो पहले न्यू मैसेज पे जाऊंगा मैं, और अब यहाँ पर सजेस्टेड लोग आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर किसी एक के साथ में अगर चैट करना चाहूंगा, अगर सपोज करो मैंने क्लिक कर दिया तो यह हमारी ये नॉर्मल चैट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर जब मैं ये चाहता हूँ कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली चैट स्टार्ट हो, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा क्लिक ऊपर, और अब जो ये चैट होगी वो सारी की सारी मेरी एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली होगी, ठीक है। मैंने हाई मैसेज भेज दिया, ये चैट कन्वर्सेशन कम्प्लीट हो जाती है तो फिर आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट कर सकते हैं या नहीं भी करें वो आपके ऊपर है। डिलीट चैट करेंगे और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली चैट थी वो डिलीट हो गई है, और ये सिर्फ आपको और जिसके साथ आपने चैट की सिर्फ उन तक रह गई है। अब बात करते हैं उनके साथ जो जिनसे आप पहले चैट नॉर्मली कर चुके हैं। अब इनके साथ अगर आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली चैट करना चाहते हैं तो पहले क्लिक करना पड़ेगा उस बंदे की प्रोफाइल पर, और उसके बाद में पहले आपने एक्सेस करना पड़ेगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला ऑप्शन। तो मैं यहाँ चेक करूंगा, इसके बाद में आप देख रहे हैं गो टू सीक्रेट कन्वर्सेशन, मैं पहले इस पे क्लिक करूंगा। अब इसके बाद में ये एक नया टैब खुल जाएगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे मैं कन्वर्सेशन करूंगा वो होगी रियली एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ठीक है। तो मैं यहाँ हाई लिखूंगा, इसी तरह से मुझे रिप्लाई आएगा, फिर मैं रिप्लाई करूंगा तो ये मेरी कन्वर्सेशन होने लगेगी और ये मेरे चैट शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाली थी। अब मैं इसको अगर डिलीट करना चाहूंगा तो मुझे जाना होगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद में डिलीट चैट और डिलीट, मीन्स के अब जो भी हमारी कोई चैट हुई थी वो सारी खत्म हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।